लेकिन इतने में बेटा ठीक हुआ, सब लोग बेटे को देखने में लगे, इतने में बुड्ढा चला गया। और लोग डॉक्टर साहब उसे ढूंढते रहे कि मैं कुछ दे देता। सेठानी ने भी, डॉक्टरनी ने भी कहा कि मैं आज उसे इतना दे देती कि वो जीवन भर की दरिद्रता भूल जाता। और कहते हैं डॉक्टर उसके पास पैसा लेके गए तो उसने कहा, डॉक्टर साहब अब इस पैसे का भी मैं क्या करूँगा, आप काश उस दिन दो मिनट का टाइम दे देते तो मेरे घर का चिराग नहीं बुझता। कहते हैं डॉक्टर साहब को शर्म आई और उसके पैरों में पड़कर बोले, मुझे एहसास हो गया कि समय पर किसी की मदद करना चाहिए, कि लौट कर समय नहीं आता, लौट कर हुकूमत नहीं आती आती है, लेकिन तुमने मुझे आंखें खोल दी कि तुमने मेरे जैसा कृतघ्नी का, मैंने तुम्हारे साथ इतना गलत किया लेकिन तुमने मेरे साथ मेरे घर का चिराग जला दिया, मेरे घर की खुशी लौटा दी। तो बुड्ढा कितनी बड़ी बात बोला, बोला जो शक्ति दी परमात्मा को उसे छिपाना नहीं चाहिए। आप पढ़े लिखे हैं, मैं अनपढ़ हूँ, लेकिन मैं यही आपको शिक्षा देता हूँ कि आज के बाद जो मेरे साथ किया वो किसी के साथ मत करना। तो लोगों ने कहा, तुम क्यों गए डॉक्टर साहब के लड़का को जीवित करने के लिए? उसने कहा कि मेरे दिल में एहसास था कि मैं अपने बेटे के लिए रो रहा हूँ, भगवान करे कोई दुनिया का आदमी ना रोए। तो आप भी ध्यान रखना, हम लोग धन कमाने के लिए कितना झूठ सच मायाचारी आदि बोलते हैं। आचार्यों ने तो यहाँ तक कहा है कि काम और भोग के लिए आदमी कितनी मेहनत करता है। कामना में दो इंद्रियां ली हैं, कामना में दो इंद्रियां ली हैं, स्पर्शन और रसना, और भोग में तीन इंद्रियां ली हैं। ध्यान रखना, आदमी स्पर्शन इंद्रिय, एक इंद्रिय हम बहुत लंबे समय तक एक इंद्रियों में जीवन गुजार कर आए हैं। आदमी अधिक समय निगोद में रहता है, तय ते चय थावर्तन धरे यो परिवर्तन पूरे करे। हमने भी क्या किया, एक इंद्री में स्पर्शन इंद्री, आज भी स्पर्शन इंद्री की कितने शौक हैं आप सोच कर देखो। एसी हो, कूलर हो, हीटर हो, जितनी चीज़ें सब किसके लिए हैं, डल्लफ के गद्दे हो और चाहे घर में सोफे हो, सब स्पर्शन इंद्री के हैं। और कहते हैं रसना, एक खाना निपटता नहीं दूसरे खाने की योजना बनने लगती है। आज आदमी का कम से कम 70% पैसा खाने पे खर्च होता है, जितने में पूरी पंचायत खा ले इतने में 500 लोग नहीं खा पाते हैं, पूरी समाज यानी हजारों लोग खा लें उतने में सिर्फ 500 लोग खाते हैं, क्योंकि आज प्लेटें 2000 रुपये से नीचे नहीं होते हैं, क्योंकि हमारी आसक्ति हमारे अहंकार ने, हम त्याग के मामले में दान के मामले में तो कहते हमारे यहाँ तो उससे तो 100 ही रुपया जाते हैं, कोई मांगने आए तो कहने लगे आजकल तो खाने के भी लाले पड़ रहे हैं। हमने कहा जाकी रही भाविना जैसी ताने संपत्ति पाई तैसी, जाकी रही भावना जैसी ताने संपत्ति पाई जैसी। कहते जैसी तुम्हारी भावनाएं होंगी वैसी कभी मत कहो धर्म के मामले में। धर्म का मतलब ये नहीं है कि आप घर में तो भूखे पड़ रहे हो और मंदिर में आके दान कर दो, ऐसा भी नहीं करना। आचार्यों ने कहा जितनी शक्ति हो उस शक्ति के अनुसार करना, शक्ति से ज़्यादा कर दोगे तो आकुलता हो जाएगी। दान का मतलब यही है, यदि हमने संग्रह कर रखा है, यदि हमें लगता है, लोग कहते हैं अपने से ही नहीं पूरा पड़ता है, अपने की भी तो कोई लिमिट होती है, हमने अपनी लिमिट नहीं बना रखी है। एक होकर 10 हो तो अच्छा है, 10 होकर सहस्र हो तो अच्छा है, यूं ही इच्छा करते करते लाखों की हद तक पहुंचा है तो भी यह इच्छा समन न हुई, ऐसी डायन इच्छा है, ऐसी डायन इच्छा है। तो इस इच्छा को रोकें, क्योंकि धन वही है जो उपयोग में ले लिया जाए, बाकी तो धन क्या है, सब मिट्टी कूड़ा है। धन यहाँ की करेंसी विदेश में भी नहीं चलती है, यहाँ के नोट विदेश में भी नहीं चलते हैं। फिर लोग श्राद्ध के दिन बोलते हमने पिताजी की श्राद्ध की, यानी जो खिलाया तो पिताजी को काम आएगा, अरे यहीं का धन यही नहीं चलता है तो स्वर्गों में क्या चलेगा। एक व्यक्ति कहते हैं स्वर्ग गया और अपनी अटैची में बहुत सारे नोट रख के ले गया, कपोल कल्पना है, ऐसा होता नहीं है,
कहते वहाँ के मैनेजर ने कहा कि अभी घूम के नहा धो के घूम के आओ, और बहुत बढ़िया बढ़िया मार्केट है, मॉल है, जो कुछ खरीदना हो खरीद के लाओ। तो और वो गया, बहुत बहुत चीज़ें इकट्ठी की उसने और पैसे देने लगा। तो कहते हैं वहाँ उसने कहा ये पैसे यहाँ नहीं चलते हैं। तो कहते हैं उसने कहा क्यों नहीं चलते, मैं तो लेकर आया हूँ। उसने कहा ये वहाँ के नोट यहाँ नहीं चलते हैं। मैनेजर ने कहा इसीलिए तुझे कहा था कि तू यहाँ देख सकता है लेकिन खरीद नहीं सकता है। जब यहाँ के नोट तेरे यहाँ के नोट अमेरिका में नहीं चलते, कनाडा में नहीं चलते हैं, यहाँ की करेंसी वहाँ नहीं चलती है, तो यहाँ का धन वहाँ काम कैसे आएगा। यहाँ का धन एक ही बुद्धिमानी है कि तुझे जो मिला है मिल कर रहो, बांट कर खाओ, जीवन का सही आनंद उठाओ। एक संत के पास कोई पहुँचा और कहने लगे जीवन का आनंद कैसे उठाएं। तो उसने लिया और कुछ मिठाई लाया था उसने खुद खा ली, दूसरा लाया था उसकी ली और उसको थोड़ी सी वापिस कर दी, तुम खा लो तुम खा लो। तो उसने कहा आपने मेरी तो खा ली इसकी बांट दी। बोले तुझे दोनों बातें सिखा दी, तुझे दोनों शिक्षा दे दी कि खुद खा लेगा तो दूसरे का मुंह लटक जाएगा और खुद भी खाएगा दूसरों को भी देगा तो उसका मुंह प्रफुल्लित हो जाएगा। क्योंकि कहते हैं हंसकर बात करते हैं, हंसकर बात करो जिंदगी में, यही जिंदगी की कवायत है। और ज़िंदगी में जो रो कर जीते हैं उनके लिए तो कयामत है, उनके लिए तो कयामत है उनके लिए, क्योंकि जीने का यही दस्तूर है कि हंस कर जियो और दूसरों को भी जीने दो। तो हम जीवन में खुद खुशी मनाते हैं यदि हम अपने पैसे से अपने घर में सैकड़ों दीपक जलाते हैं। किसी गरीब के घर में ये देख आया करो, अंधेरा तो नहीं है। लोग कहते हैं अब तो गरीब ही नहीं मिलता है, हम कहते हैं हमारे समाज में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, लेकिन सब इतनी सी शर्त है कि वो बेचारे सामने आना नहीं चाहते हैं। और आज की तारीख में ऐसे से लोग हैं हमें हमारे पास आते हैं हमारे संपर्क में हैं जिनको आज की तारीख में भी बहुत ज़रूरतें रहती हैं, और जिनको मुझे खुशी इस बात की होती है कि जिनको कभी हमने बैसाखी दी थी आज वो सहनसाह बन गए हैं, आज वो लोग बहुत अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं। तो कभी भी यदि प्रभव में चाहते हो तुम्हें कुछ मिले तो गिरतों को थाम लेना और अपाहिजों को सहारा देना, रोतों को हंसा देना, किसी के घर आग लगाने मत जाना, पानी डालने जाना। क्योंकि जब सत्ता और शक्ति होती है तो हम बहुत लोगों को दुख देते हैं, लेकिन हम सत्ता और शक्ति का सही उपयोग करेंगे। हम जीवन में जब लो न रोग जराग है तब लो झटत निजित करो, जिसके अंदर में करुणा होगी प्रेम का संचार होगा तो उसके जीवन में सुख के अंबार लग जाएंगे। वो गरीबी में भी होगा तो ध्यान रखना वो दुखी नहीं रहेगा। बाकी अमीर लोग भी चेहरे पर देखो ऐसे दिखते हैं जैसे बड़े उदास हैं, क्योंकि पैसा सुख नहीं देता है, प्रसन्नता देती है विशुद्धता, अंदर की पवित्रता हमें सुख देती है। तो पवित्रता को कैसे लाएं। एक साधु और चेला जा रहा था तो बार बार साधु कहता था जल्दी चलो शाम हो जाएगी, डर है कहीं जंगल में कोई लूट ना ले लूट ना ले। अब चेला सोच रहा है आज तक तो इसने कभी नहीं कहा लूट ना ले लूट ना ले, क्या बात हो गई आज ये बार बार गुरु कह रहा है। अचानक एक कुएं के पास पानी पीने रुके तो गुरु पानी पीने लगा, चेला ने देखा क्या बात है, ये थैला चेला को दे दिया था, चेला ने देखा कि इसमें तो कुछ रखा है, तभी गुरुजी बार बार कह रहे हैं। उसने देखा एक सोने की ईंट थी। गुरुजी पहले कुओं पर चल के जाना पड़ता था पानी पीने के लिए, तो गुरुजी थोड़ी दूर कुएं पर गए जब तक चेला को थैला दे गए